नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम दिल से में। हर बार की तरह इस बार भी हम बात करेंगे दिल से प्रदेश की जानी मानी शख्सियत के साथ। किसी का भी राजनीति का सफ़र शुरू होता है सामाजिक सरोकार से, लेकिन उसे पहचान मिलती है सामाजिक संगठन से। और सफल राजनेता वही है जो संवैधानिक पद पर आसीन हो पाए। आज हम आपको रूबरू करवाएंगे 5वीं बार निर्वाचित हुए विधानसभा सदस्य श्री ब्रिजेंद्र सिंह राठौर से। आपने ये निर्णय कब लिया कि आप राजनीति में जाएंगे और वहीं उसे अपना करियर बनाएंगे? अब देखिए, सच बात तो यह है कि मुझे तो कल्पना ही नहीं थी कि मुझे राजनीति में जाना है, क्योंकि आज की वर्तमान जो राजनीति है उसमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। तो नमस्कार ब्रिजेंद्र सिंह जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम दिल से। हम आपसे आपके भारी भरकम विभाग की तो बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं आपके कुछ व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी हुई बात। बिल्कुल बिल्कुल। हर सफल व्यक्ति की अगर बात की जाए तो उसकी जन्मभूमि और कर्मभूमि बदल सी जाती है, लेकिन आपका जन्म पृथ्वीपुर में हुआ, आप विधायक भी वहाँ से हैं। कहीं ना कहीं इसे आप क्रेडिट देंगे या क्या कहेंगे कि आप जहाँ ही जन्मे हो वहीं पर आपने आखिरी तक सेवाएँ दे रहे हैं? मेरा जन्म तो पृथ्वीपुर, आज जो हमारी विधानसभा है उसमें ही हुआ, लेकिन निवाड़ी विधानसभा एक और है। जी जी। 4 विधानसभा के चुनाव मैंने निवाड़ी से लड़े, 15 साल में वहाँ से विधायक रहा। और इसलिए कि ओरछा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जानी पहचानी जगह है, पर्यटन की दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से, प्राकृतिक दृष्टि से और धार्मिक दृष्टि से, क्योंकि राजा राम दुनिया जानती है ओरछा ऐसी जगह है जहाँ राजा राम राजा के रूप में रहते हैं। राम लला? लला नहीं। अच्छा, लला अयोध्या में है। अच्छा अच्छा। राजा ओरछा में है। ओके। तो राजा राम जी जी, वहाँ कोई दूसरा राजा नहीं है। और वही कारण है कि आज भी दुनिया का कितना भी बड़ा से बड़ा VVIP क्यों ना हो, वहाँ किसी को भी ओरछा में गार्ड ऑफ ऑनर नहीं होता। गार्ड ऑफ ऑनर होता है तो हर पहर में राजा राम के लिए होता है, दूसरे किसी के लिए नहीं होता। तो वो एक बहुत बड़ा एक भावनात्मक लगाव वहाँ से था। और मुझे खुशी है कि मेरी कर्म स्थली उस जगह पर रही। पृथ्वीपुर उसका ही हिस्सा था पहले, अब पृथ्वीपुर विधानसभा अलग बनी। तो कर्म स्थली का अगर हम बात करें तो शुरुआत तो पृथ्वीपुर से ही हुई, क्योंकि विधायक बनने के पहले 10 वर्ष मैं जनपद का अध्यक्ष भी रहा, 1982 फर्स्ट इलेक्शन जो है मैं जीता था। उम्र बहुत कम थी, लेकिन लोगों की दुआएं थी, लोगों का प्रेम था, प्यार था और लोगों ने मुझे जिताया। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। तो पृथ्वीपुर हो और निवाड़ी हो, कहने को आज भले ही 2 विधानसभा हैं, लेकिन मैंने हमेशा एक भाव के साथ में चला। लेकिन वहाँ के लोग भी इस बात को महसूस करते हैं कि एक पार्टी के चुनाव लड़ने से दल का रिश्ता तो बनता है, लेकिन दल से ज़्यादा रिश्ता है दिल का। दिल का रिश्ता है, और उस पर ही मैं भरोसा करता हूँ। सर, एक छात्र जब वो 8वीं और 10वीं में आता है तो उसके पास एक स्थिति आती है कि मैं किस विषय को लूँ। वही जब 12th में जाता है तो उसके पास आती है कि मैं किस प्रोफेशन में आगे जाऊँ। तो आपने ये निर्णय कब लिया कि आप राजनीति में जाएंगे और वहीं उसे अपना करियर बनाएंगे? देखिए, सच बात तो यह है कि मुझे तो कल्पना ही नहीं थी कि मुझे राजनीति में जाना है। स्कूलिंग होने के बाद मैं भोपाल में ही आया। जियोलॉजी मेरा सब्जेक्ट था, पढ़ाई चल रही थी। उस बीच में मेरे पिताजी की तबीयत खराब हुई, गड़बड़ हुई। तो बाबा हमारे जागीरदारी टाइम वाले और पिताजी हमारे राजाशाही के खिलाफ बिगुल बजाने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, तो दोनों का एक बिल्कुल अलग अलग सोच था। जी। और उस परिवेश में मैं पैदा हुआ, तो मैंने एक वो पक्ष भी देखा और दूसरा पक्ष भी देखा। लेकिन जो दूसरा पक्ष था वो बहुत सुंदर पक्ष था। पिताजी ने जो शुरुआत की वो उन्होंने गरीब से गरीब आदमी के साथ कंधा मिला के खड़े होने की बात की। कुछ कुप्रथाएँ पहले पूरे देश में ही थीं, बुंदेलखंड में भी थीं, कि साहब जूते पहन के कोई दरवाजे के सामने से नहीं निकल सकता,
कितना भी बुजुर्ग होगा तो बगैर ढोक लगाए और प्रॉपर रिस्पेक्ट दिए नहीं निकल सकता, ऐसी तमाम ऐसी बातें थी, दरवाजे भी छोटे हुआ करते थे किसी को। तो उनके खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया और आम आदमी की आवाज़ वो बने, और उसका ही परिणाम रहा कि जब से देश आज़ाद हुआ 1980-81 में उनका निधन हुआ, लगातार आजीवन उस जनपद के वो अध्यक्ष रहे, वहाँ की मंडी के मार्केटिंग के चेयरमैन भी रहे, PCC के मेंबर भी रहे, कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर भी रहे, मतलब जो भी एक प्रतिष्ठित पद होते हैं जिले के और जिले से ऊपर, वो सब उनके पास रहे। और जब विधायक के टिकट की बात आती थी तो मैं अपने कान से सुनने वाला हूँ, वो दूर से ही प्रणाम कर लेते थे कि मैं इसके लिए जो है यहीं तक ठीक हूँ, मेरा सफर यहीं तक, मुझे लोगों के बीच में रहना है, इनके बीच में काम करना है। लेकिन भगवान कृपा से एक परिवार की प्रतिष्ठा थी, तो जो संस्कार हमने उस वक्त लिए उसके हिसाब से एक समाज सेवा का भाव तो बचपन से देखा। और जब पढ़ाई बीच में छूटी और मुझे वापस जाना पड़ा तो मेरे परिवार में व्यापार की पृष्ठभूमि भी थी। जब देश आज़ाद हुआ उसके पहले भी एक रहट कंपनी हमारे यहाँ की हुआ करती थी परिवार में, बाद में फिर सन 60s के बाद जब पेट्रोल पंप वगैरह की शुरुआत हुई तो परिवार हमारा फिर उस लाइन में आ गया और एक पृष्ठभूमि वो बनी रही, ये अपना खेती बाड़ी के साथ साथ व्यापारिक पृष्ठभूमि भी बनी रही। तो पिताजी के स्वास्थ्य खराब होने के बाद एक स्थिति आई कि कौन संभालेगा, तो हम ही थे जी, सही बात, सारे बुजुर्ग लोगों ने, क्षेत्र के प्रतिष्ठित लोगों ने कहा कि साहब आप तो और कोई चारा परिवार के अलावा बाकी जो आम जन होंगे जनता होगी। तो फिर मैं यहाँ से वापस हो गया, अधूरी पढ़ाई छोड़कर मुझे वापस जाना पड़ा। बाद में फिर मैंने प्राइवेट उसे ये वैद्य विशारद वगैरह का जो एक छोटी डॉक्टरी का कोर्स होता है वो भी किया, होते करते जो है फिर अपने व्यापार को संभालने का काम किया, पेट्रोल पंप और ट्रांसपोर्टेशन का, तब कई एजेंसियां थी तो मैंने संभालना शुरू किया। संयोग बस उसी वक्त पिताजी का निधन हो गया, तो अब एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई, जो पूरा जिले का एक पूरा बड़ा भारी तबका जो उनके साथ जुड़ा हुआ था उसके सामने समस्या थी कि अब कहाँ जाएं, हमारा नेता कौन कौन हो, कोई तो चाहिए था, बिल्कुल चाहिए। तो उस वक्त लोगों ने फिर कहा कि नहीं साहब आपको ही आना पड़ेगा। हमारा राजनीति का कभी स्वभाव नहीं रहा, क्योंकि आज की वर्तमान जो राजनीति है उसमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, ठीक है ना, कुछ क्वालिटीज ऐसी हैं जो आज चाहिए वो नहीं थी। तो मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा था मैं कैसे करूँगा। और जब पिताजी मेरे कभी यहाँ आते थे भोपाल में, यहाँ हॉस्टल में मैं रहता था, तो उस वक्त वो अपने दोस्तों से मजाक में कहते थे कि लड़का हमारा इतना सीधा है, बुंदेलखंडी में बोलते थे कि हमारा मोड़ा इतना सुदृढ़ है कि हमें तो जो विश्वास ही नहीं है जो कैसे ही की जिंदगी कटे, ये उनका एक भाव रहता था। तो एक संकोची स्वभाव हमारा भी था जी, जी। हम बहुत आसानी से मतलब कहीं भी घुसने की हमारी आदत नहीं थी जी, जी। तो राजनीति के हिसाब से तो वो संकोची स्वभाव चलता नहीं। खैर परिस्थितियाँ ऐसी बन गई कि राजनीति में आने के लिए बड़ा दबाव बना। उस बीच में हमारे जो बाबा थे तो गांव में अमूमन एक बुज़ुर्गों की एक ख्वाहिश रहती थी कि हमारे नाती की शादी जल्दी हो जाए नतमऊ देखने, तो उस वक्त उन्होंने हमारी शादी जल्दी से करवाई। संयोग से जो हमारी ससुराल पक्ष थी वो पूरा फौजियों का परिवार है, और फौज में भी छोटी मोटी पोस्ट से नहीं, फौज के जनरल से ले और पुलिस के DIG तक का पूरा एक परिवार, जिसमें 20-22 खानदान में कर्नल और जनरल से लेके पुलिस के DIG तक, आप समझ सकते हैं कि उस माहौल में पैदा हुई लड़की वो शादी हमारे साथ हुई। और शादी भी इसलिए हुई कि किसी को ये नहीं पता था कि हमारे दामाद को नेता बनना है, सबको मालूम था कि अच्छा खासा व्यवसाय है तो अपना और आगे बढ़ेंगे, इस तरीके की सोच के साथ जो है और शादी हुई। शादी कराने वाले भी संयोग से हमारी जो पत्नी है उनके मामा जी, वो मामा जी उन दोनों इंचार्ज SP कुछ दिन के लिए बन के आए टीकमगढ़ में। तो स्वाभाविक है बात हुई कि भाई कौन अच्छा है खानदान जहाँ, तो वो घूम फिर के हमारा नाम आ गया तो शादी हो गई। तो एक हफ्ते तो ये द्वंद्व चलता रहा, पत्नी अलग के नहीं नहीं राजनीति में नहीं जाना है, और हमारी माता जी भी नहीं चाहती थी, क्योंकि माता जी को हमने देखा कि हमारे पिताजी को यही पता नहीं होता था कि हम किस क्लास में पढ़ रहे हैं।
दुनिया के दुख दर्द देख रहे हैं वो अपने घर में। कैमरे पे बोल रहा हूँ ये बात, उनको कभी ये पता नहीं होता था कि हमारा लड़का किस क्लास में पढ़ रहा है, क्या कपड़े पहन रहा है, कहाँ से खरीद रहा है, उन्हें कुछ नहीं पता। उनकी दिनचर्या थी कि सुबह से उनको तैयार होना है, हम लोगों को 5 बजे उठा दिया जाता था और 1 किलोमीटर की दौड़ लगवाई जाती थी। एक हमारी आज की तारीख में घड़ी है तो वहाँ तक दौड़ लगा के जाना पड़ता था 1.5 किलोमीटर। लौट के सीधे हम, एक बाग है हमारा गांव का, वहाँ पे हम लोग आते थे और वहाँ पे जैसे आज आपका ये हम देख रहे हैं, ऐसे ही वहाँ पे एक कुश्ती का मैदान। तो सबका नियम था, नापित जी बढ़िया तेल लगाते थे और कुश्ती लड़ना पड़ती थी और उसके बाद एक पानी गिरता था 10 फुट ऊपर से, तो उसमें सबको स्नान करना पड़ते थे। और इसके बाद सीधे जो है गाय भैंस का एक बाड़ा था बड़ा, उनमें गाँव में बहुत हुआ करती थी गाय भैंस, तो ये नियम उन्होंने बना रखा था हमारे बाबा के टाइम से कि लगाने वाले लगाएंगे, काम करने वाले काम करेंगे, लेकिन दूध की बाल्टी घर के सदस्य को लाना पड़ेंगी। तो वहाँ से बस दोनों हाथों में 2 बाल्टी लेते थे और अपने घर की तरफ चल देते थे। तो पिताजी का तो सुबह 7 बजे उनका दरबार लग जाता था और घर में 2 महिलाएं केवल इसलिए लगती थीं कि वो बेचारी सारे दिन खाना बनाती थी, सब्जी बनाती थी, जो आ रहा है उसको खाना खाना है, चाय पीना है, और फिर वो कहीं चले गए तो ठीक है, लौट के आना है तो फिर वही होना है। तो माता जी हमारी बड़ी परेशान रहती थी कि ये मतलब सारे दिन जो है, तो हमें वो समझाती थी कि बेटा राजनीति में नहीं जाना है, इसमें कोई खुद की लाइफ नहीं है। खैर, एक माहौल ऐसा था कि उस वक़्त परिवार की सोच एक थी और समाज की एक सोच थी, तो हमको समाज के साथ जाना पड़ा क्योंकि जो माहौल हमने देखा था उसमें हमारे लिए उससे निर्णय ज़रूर कठिन था लेकिन उससे सुगम निर्णय कोई दूसरा हो नहीं सकता था, और मैंने समाज का साथ चुना। वहाँ से फिर जो है वो शुरुआत हुई। आप 5वीं बार निर्वाचित हो क्या है, आपने शुरुआती दौर के चुनाव देखे होंगे जिसकी कोई सीमा नहीं होती थी, उस जमाने में भी खर्च होता था और लेकिन एक आम जन भी सोच सकता था लड़ने की। अब चुनाव का एक लिमिटेशंस है, चुनाव आयोग का डंडा है, उसके बाद दुगना तिगना चुनाव में खर्च होता है, ये खर्चे का जो सिस्टम है कहाँ तक जाके पहुँचेगा, मतलब इसकी लिमिट क्या हो पाएगी, जबकि आजकल तो डिजिटल मीडिया भी है, सोशल मीडिया भी है, उसके बावजूद ये कहाँ जाके रुकेगा। ये प्रश्न आपका ऐसा है कि इसका सच सच उत्तर नहीं दिया जा सकता। मैंने जब राजनीति की शुरुआत की तब उस वक्त ऐसे खर्चे होते ही नहीं थे। जी जी, मैं वही, लोग चुनाव लड़ते थे हम लोग, या ऐसा समझ लीजिए कि जिस जगह से मैं चुन के आता हूँ वहाँ का एक माहौल ऐसा था। एक वक्त तक जो है मैं वोट मांगने नहीं जाता था, लोग अपने आप से कहते थे नहीं आपको लड़ना है, आप तो चिंता मत करो, जिताने वाले हम हैं। और उसका आप इस तरीके से समझ सकते हो कि 1993 और 1998 दो चुनाव हमारे ऐसे थे कि मैं किसी दल से नहीं था। एक बार चुनाव चिन्ह हमारा यही चश्मा जो हम लगाए थे वो था, और एक बार हमारा चुनाव चिन्ह बरगद का पेड़ था, कोई राष्ट्रीय दल या कोई दूसरे दल का चिन्ह नहीं था। आप समझ सकते हो निर्दलीय चुनाव, निर्दलीय बहुत बड़ी बात, और निर्दलीय चुनाव लड़ना, और वो भी उस वक्त के बड़े धुरंधर लोगों के सामने। आज इस दुनिया में कुछ लोग नहीं हैं, नहीं है वो, लेकिन जो थे, नाम ही हुआ करता वो बड़े चर्चित लोग थे। कुछ यूपी से आते थे वो भी यूपी के बड़े चर्चित लोग हुआ करते थे, बॉर्डर पे ही हैं, और सारे लोगों का सोच ये था कि उनकी जाति का वोट बहुत है। जी जी, क्योंकि मैं जब निवाड़ी में चुनाव लड़ता था तो राजपूत वोट वहाँ मात्र 5,000, दूसरे जातियों के वोट किसी का 45,000, किसी का 35,000, किसी का 25,000, तो खड़े होने वाले कोई डर लगता था, चक्रव्यूह को कोई तोड़ना भेदना ही तो अपने आप में। आप किसी दल से नहीं, निर्दली, और वो भी उस विधानसभा में जहाँ आपका कोई वोट नहीं, वोट ही नहीं है। टिकट इसलिए नहीं मिलती थी कि हमारी जाति का वोट नहीं। हाँ, हमारे अंदर भी हमने कहा नहीं ये तो अन्याय है भाई, हमारा संबंध किसी जाति से नहीं है, जाति का कोई है हमारा रिश्तेदार होगा, घर का होगा, परिवार का होगा, हम उसका सम्मान करेंगे, लेकिन अगर नहीं भी जाति का है और वो हमारा हमदर्द है तो उसके लिए भी उससे कम प्यार और सम्मान नहीं रहेगा। ये हमारी शुरू से सोच रही, हमने जातिवाद के हिसाब से कभी राजनीति को जाति मुद्दा नहीं बनाया, और इसलिए मैं चुनाव लड़ा भी। और जैसा मैंने पहले कहा, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, रामराजा सरकार की ऐसी कृपा रही और जनता जनार्दन की ऐसी कृपा रही कि लोगों को जितने टोटल वोट मिलते नहीं हैं उससे ज़्यादा से वहाँ से लोगों ने प्यार दिया और हमको जिताया। पहला चुनाव जब मैं निर्दलीय लड़ रहा था तो वो चुनाव में 39,000 वोटों से जीता, दूसरी बार फिर निर्दलीय लड़ा
तो वो मैं 46,000 वोटों से जीता। मेरे ख्याल से 46,000 39,000 भी है, 30-40% दुगना तिगने का फर्क होगा उस मतलब जमाने सारे, में बहुत, सारे वोटर्स पार्टियों का एक तरफ, हाँ एक तरफ वही मैं, और अकेला हमारा एक तरफ, माने जमानत जब थी सबकी हो जाती, सबकी जमानत जब्त हो जाती है। अब आप समझ सकते हैं कि निर्दलीय चुनाव में और इतना मार्जिन मिलना, ये कोई साधारण बात तो नहीं थी। नहीं नहीं, ये समझ ये सकते हैं सर, पांचवी बार आप प्रभु की कृपा थी, पांच नहीं सातवीं बार है आपने, सातवीं बार, दो बार जनपद अध्यक्ष जी और पांच बार विधायक, क्योंकि वो चुनाव भी जनता से ही होता था। आपने बताया आप सहकारिता बैंक में भी रहे जी, अगर नेशनलाइज बैंक की बात करें तो चेक एंड बैलेंसेस बहुत सारे होते हैं उसमें, और लेकिन अब वहीं अगर हम बात करें तो बहुत सारे फ्रॉड और हम देख ही रहे हैं लोन में भी, और हर तरह की अनियमितताएं बहुत हो जाती हैं, लेकिन क्या अपेक्स बैंक में या सहकारिता में भी कुछ ऐसा होता है, या निकल के बाहर नहीं आ पाता, या कुछ हो जाते हैं गुपचुप तरीके से? देखिए, दो बातें आपने पूछी, पहला आपने कहा था चुनाव का, दूसरा कहा आपने सहकारिता का, और मैंने आपको उत्तर दिया कि कैमरे के ऊपर सच बात कही नहीं जा सकती, और गलती प्रत्याशियों की नहीं है, गलती सरकार और जो उससे जुड़े हुए पक्ष हैं, चाहे वो निर्वाचन के हों, कहीं ना कहीं हमें विचार करना पड़ेगा। अगर हम ये कहें आज तो ठीक है लिमिट थोड़ी सी बढ़ गई है, एक ज़माने में 28,000 में चुनाव होता था, अब 28,000 में तो गाड़ियों का किराया नहीं चुकता, लेकिन आपको दिखाना है कि 28,000 में आपने चुनाव लड़ा, तो ये मतलब थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, इसको ऊपर वालों को भी ये समझ बनाना पड़ेगी, व्यवहारिक होना पड़ेगा कि जहाँ आज की ज़रूरतें हैं उस हिसाब से आपको नियमानुसार ही खर्चे की बढ़ोतरी करना चाहिए, क्योंकि उतने में हो नहीं पाता, लेकिन फिर भी लोग करते हैं। सहकारिता का क्षेत्र जो है एक बहुत अच्छा क्षेत्र है, जहाँ आप आम आदमी के साथ खड़े भी होते हो और उसको अधिकार दिलाने का काम भी करते हो, लेकिन अब सहकारिता जो है, सच बात तो यह है, व्यवसाय हो गया। 10-20% में तो ज़रूर हम ये कह सकते हैं कि वहाँ ईमानदारी से आज भी जो बंसा सहकारिता की थी उस हिसाब से काम होता है, लेकिन अब जो है उसका व्यवसाय हो गया, तो ये जो नज़रिया है इसमें हमें बदलाव करना पड़ेगा। बकाया सहकारिता धीरे धीरे देखिएगा आप ख़त्म हो जाएगी, उसकी मंशा जो है वो साफ़ हो जाएगी। सर, आप 93 में 10वीं विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे, तब आप संदर्भ समिति और विशिष्ट समिति के मेंबर भी रहे थे, इसमें प्रकरण ऐसे आते होंगे जिसमें संदर्भ समिति में जिसमें बड़े अच्छे निर्णय भी होते होंगे, कुछ कटु निर्णय भी होते, कुछ ऐसा कुछ रोचक अगर आप सुनाएं? देखिए, संदर्भ समिति में तो इतना ज़्यादा कोई निर्णय करने की वो नहीं आती हैं, कम विषय आते हैं, लेकिन कुछ ज़रूर कमेटियां हैं जिसमें बड़े रोचक वो बातें आती हैं। जैसे मैं निर्दलीय विधायक था, अमूमन किसी भी निर्दलीय विधायक को विधानसभा की किसी कमेटी का चेयरमैन बनाया नहीं जाता। जी जी, सबको ओबलाइज करना होता, अपनी पार्टी वालों को ही ओबलाइज करते हैं, पार्टी का ही उनके वो रहते हैं, लेकिन मुझे एक कमेटी का चेयरमैन बनाया गया उस वक्त। जी जी, श्री नवाज तिवारी साहब उस वक्त अध्यक्ष हुआ करते थे, और वो भी कमेटी कैसी कि उसमें मैं चेयरमैन, यशोधरा राजे सिंधिया उसकी मेंबर, और एक सुरेंद्र चौधरी जी पहले मंत्री हुआ करते थे वो उसके मेंबर, तो तीन लोगों की कमेटी, और एक बहुत बड़ा माइनिंग का और फॉरेस्ट की जांच थी। अब समस्या उसमें ये थी कि एक हमारे तत्कालीन मंत्री, जिनके बारे में शिकायत की गई थी कि साहब ये भी इलीगल माइनिंग और अवैध कटाई में शामिल हैं, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की एक तत्कालीन मंत्री महोदया, उनके खिलाफ शिकायत और उनकी तरफ से भी एक शिकायत, अब दोनों के बीच में वो जांच होनी थी और वो स्वयं उस कमेटी की सदस्य भी, तो मेरी स्थिति ये थी कि एक पक्ष ये कहता था कि साहब मंत्री जी की दोस्ती है तो ये तो हमारा उनका फेवर करेंगे, और दूसरी जो उसकी सदस्य महोदया थी, मंत्री जी के दिमाग में ये था कि यार आपका उनसे पारिवारिक संबंध है तो हमारे साथ नहीं, यार उनके साथ कर रहे हो, तब ऐसी धर्म संकट फंसता है कि ऐसी स्थिति में आप क्या करो। लेकिन मैं तो जो सच था उसका साथ दिया, वो मैंने उस पर उतारा। एक टीकमगढ़ में एक कुटीर उद्योग है ब्रास को लेके, कास्टिंग को लेके, लेकिन वो जब से लेके आज तक उस प्रमोट नहीं हो पाया। अगर वहीं बात करें मुरादाबाद की, फिरोजाबाद की, तो वो लोग इंटरनेशनल उनका मार्केट हो गया, अपने यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको एक सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा। वो जो आप बात कर रहे हो पीतल के ऊपर से,
उसमें टीकमगढ़ के भी कुछ कारीगर हैं, बकाया टीकमगढ़ से लगा हुआ उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, जैसे मेहरौनी है, बड़ावरा है, उधर के भी काफ़ी लोग हैं जो पीतल के ऊपर काम करते हैं, नाम टीकमगढ़ का ही चलता है। लेकिन ये बात सच है कि जितना उनको महत्व दिया जाना चाहिए था, सरकार की तरफ से सपोर्ट मिलना चाहिए था, उस इंडस्ट्री को सपोर्ट नहीं मिला। अगर मिलता तो शायद वो और आगे निकल के आती, लेकिन इस दिशा में हम लोगों ने थोड़ा सा भी सोचना शुरू किया है और कुटीर ग्रामोद्योग विभाग के जो हमारे अधिकारी हैं उनसे हमारी बात चल रही है कि इस उद्योग को कैसे आगे लाया जाए, उसमें हम काम कर रहे हैं। दो विभाग हैं, एक कॉमर्शियल डिपार्टमेंट की बात करें या इनकम टैक्स की बात करें, जो व्यापारी उससे जुड़ता है उसके दिल में जहन में घबराहट रहती है, जितना इनसे दूर रहें उतना ही अच्छा है। अगर आपके उस रजिस्ट्रेशन की बात की जाए, अगर उसे केंद्र से रजिस्ट्रेशन कराना हो तो बहुत आसान हो जाता है, लेकिन वहीं अगर आपके अपने सरकारी मतलब प्रदेश की अगर GST की काउंसिल बोलेंगे या डिपार्टमेंट्स में जाना हो तो सब इतने इफ एंड बट्स लग जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि अगर मुझे दुकान डालनी है तो मुझे आप कहेंगे कि भैया तुम्हें दुकान डालनी है, कहाँ की दुकान है, मैं कहूँगा साहब किराए की है, तो आप कहेंगे कि उसका एग्रीमेंट लाइए, मैंने एग्रीमेंट ला दिया। जब मैं एग्रीमेंट लाऊंगा तो आप कहोगे ये दुकान जिससे एग्रीमेंट किया उसकी आप मूल प्रति लाइए कि रजिस्ट्री दुकान उसकी है कि नहीं। तो ये जो छोटे छोटे से जो लकुने हैं या जिसके इसके पीछे जो भी कोई कारण रहते हो सर, इसको कैसे दूर किया जा सकता है? किसी ज़माने में ऐसा होता होगा, अब ऐसी कोई कठिन प्रक्रिया नहीं है। आप व्यापार करना चाहते हो, आप व्यापार आराम से करिए, रजिस्ट्रेशन भी आपका तुरंत हो जाता है। और यदि कभी आपके दिमाग में कोई आपको ऐसा उदाहरण मिले कि कहीं दिक्कत हो रही है जी जी। तो व्यक्तिगत रूप से मैं आपसे कह रहा हूँ, आप बेहिचक मुझे भी बताइए, मैं आपके या आपका जो भी साथी ऐसा है जिसको तकलीफ हो रही है जी, सरकार आपके साथ खड़ी मिलेगी। अभी हाल ही में आप गोवा होके आए, एक GST काउंसिल की आपने बैठी, उसमें क्या अपने ऐसे निर्णय हुए होंगे जिसमें प्रदेश सरकार को, केंद्र सरकार को रेवेन्यू भी ज़्यादा आ जाए और व्यापारियों को एक सहूलत भी हो जाए, ऐसे के कुछ निर्णय हुए हैं या अभी 2 अक्टूबर के बाद भी आपके भी कुछ रिविज़न आए? देखिए, GST काउंसिल में केवल एक स्टेट के हिसाब से तो बात होती नहीं, पूरे देश की बात होती है और देश के लिए पॉलिसी बनाने की बात होती है। लेकिन हर राज्य को अपना अधिकार है कि वो अपनी बात को रखता है, और कई बार अगर गलत होता है तो बहुत सारे राज्य मिलकर अपनी बात को रखते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपसे कहूँगा कि अभी जो गोवा में 20 तारीख को GST की काउंसिल थी, एक सबका सुझाव था कि टूरिज्म को बढ़ावा देना है। गोवा के डिप्टी CM साहब ने वो प्रस्ताव रखा था, लेकिन हम लोगों ने सबने उसको सपोर्ट किया। और आपने देखा होगा कि जिस इंडस्ट्री के लिए आप यहाँ बैठे हो, होटल इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, पहले यदि 7500 रुपये तक का आपका कमरा था तो आपको 18% GST देना पड़ रहा था, उसके ऊपर आपको 28% देना पड़ रहा था, उसके नीचे आपको 12% देना पड़ता था। हम सब लोगों ने उस दिन GST काउंसिल में ये प्रस्ताव को लेके आए कि मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश में जी। गोवा में तो चूंकि प्रोग्राम था तो गोवा तो आधार ही वही है, इकोनॉमी उसी पे चलती है। तो आने वाले कल में जिस तरीके से आर्थिक समस्याएं खड़ी हो रही हैं, उसमें टूरिज्म एक ऐसी इंडस्ट्री है कि इसमें सरकार का बहुत पैसा खर्च नहीं होना, बाहर से स्वयं अपने पैसे से लोग इंडस्ट्री को खड़ा करते हैं, थोड़ा सा सरकार से सपोर्ट चाहते हैं। तो उस पर जब ये बात आई तो हम लोगों ने सुझाव रखा कि इस स्लैब को कम किया जाए, और कई राज्य उसमें सहमत हुए, और एक अच्छा निर्णय ये हुआ कि उसी दिन निर्णय हो गया कि आने वाले कल में 1000 रुपये तक का जो कमरा है उस पर कोई GST नहीं लगेगा। 1000 से 7500 रुपये तक का जो कमरा है उस पर जो है मात्र 12% GST लगेगा। हाँ, और 7500 रुपये से ऊपर का जो कमरा है वो 28 से घट के 18% के स्लैब में आ जाएगा। दूसरा, GST का जो मूल स्वरूप है वो राज्य और केंद्र मिलकर ही बना। तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी इस GST को शुरुआती तौर पे जो है उन्होंने, बाद में श्रेय लेने के चक्कर में एकदम हड़बड़ी में इस GST को लागू किया गया, और एक अच्छी डिबेट ना हो के रातों रात GST लागू हो गया। लोगों ने ताली भी बजवा ली, सब कुछ भी कर लिया, GST लागू हो गया। लेकिन मैं आज भी कहता हूँ
कि यदि इस जीएसटी को हड़बड़ी में न लाया जाता, इसके ऊपर एक स्वस्थ परंपरा के साथ अच्छी डिबेट होती, तो आज जो विसंगतियां हमारे सामने आ रही हैं शायद ये नहीं आती। ये विसंगतियां आम आदमी को तकलीफ दे रही हैं। तो जब एक स्वस्थ परंपरा के साथ जीएसटी का अवधारणा के साथ जीएसटी लाई गई, उसमें ये तय हुआ कि सन 2022 तक 14% की जो ग्रोथ है, उस अनुपात में केंद्र सरकार राज्यों को 5 साल तक क्षतिपूर्ति करेगा। लेकिन अचानक पता नहीं क्या हुआ, गोवा की मीटिंग में पता लगा कि साहब वो केंद्र बदलाव करने जा रहा है कि अब नहीं देंगे। तो उसके ऊपर से मध्य प्रदेश सहित छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, तमाम राज्यों ने, केरल वगैरह ने, हम लोगों ने विरोध किया कि साहब ये जब विश्वास के तहत ये निर्णय हुआ था जी, तो अचानक आप बीच में कोई निर्णय नहीं, ठीक है ना, उसी के बेसिस पे लागू भी किया, बिल्कुल, बिल्कुल। और उसमें फिर ये बात उनको लगी कि हाँ ये बात सही है, और उसको स्वीकार किया गया। अब अभी आप देखिए, जैसे मैंने कहा कि हड़बड़ी में लाने का नुकसान, जीएसटी हमारा कम होता जा रहा है, मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश में, और आज हमारा हिस्सा, आज हमारे यहाँ मतलब किसानों की फसल साफ हो रही है, उनको हमें राहत बांटना है, हमें उनका कर्ज माफ़ करना है, बोनस का पैसा देना है, जो प्रदेश के विकास के काम रुके हैं उन्हें आगे बढ़ाना है, और आम गरीब आदमी की योजनाओं को भी बेहतर करना है, सबको आवास मिले, सस्ते मिले, उसके लिए भी आपने कुछ बदलाव किए हैं रजिस्ट्री पे, कुछ नियमों पे किए हैं, कुछ लड़कियों की, घर की बेटियों के प्रतिभागी रहे उसके लिए भी आपने कुछ किया, उसके बारे में आप थोड़ा सा कुछ बताएं। जब मैंने विभाग को संभाला जी, तो तमाम अधिकारियों ने भी ये कहा कि सब बड़ा गलत हो जाएगा, और अगर जीएसटी वो अपना कलेक्टर गाइडलाइन हटाएंगे तो कल फिर कैसे समस्या हल होगी, तमाम तरीके की बातें थी, मैं भी बड़े पसोपेस में था जी। लेकिन विभाग को समझने के बाद जी, मेरा ऐसा मानना था कि कोई ना कोई तो एक आएगा जो प्रयोग करेगा, बिल्कुल भाई, और कहाँ बढ़ाएंगे, अब जब बढ़ाने की सीमा ही समाप्त हो गई तो फिर नया प्रयोग कहीं ना कहीं तो आपको करना पड़ेगा। तो जब हम कलेक्टर गाइडलाइन को एक बार घटाएंगे तो नंबर ऑफ रजिस्ट्री जो हमारी बहुत कम थी, स्वाभाविक रूप से नंबर ऑफ रजिस्ट्री हमारी बढ़ेगी। एक तरफ जहाँ हमें यहाँ नुकसान होगा, वहाँ दूसरी तरफ हम उसकी कुछ भरपाई भी कर लेंगे। दूसरा, उसमें हमने 20% घटा दिया। अब बात आती थी कि मान लीजिए आपका यही मकान है जहां हम बैठे हुए हैं, महुआ हाउस, आपका मकान 40 साल पुराना हो गया, सरकार कहती है कि नहीं आपको शुल्क तो पूरा देना पड़ेगा, हम नहीं मानते कि आपका 40 साल पुराना है कि 60 साल पुराना है कि 10 साल पुराना है, ये न्याय संगत नहीं था। इसको हमने परिवर्तन किया, हमने कहा कि अगर 20 साल पुराना मकान है तो 20% हम घटाएंगे, और फिर स्लैब वाइज 5-5% घटाते जाएंगे, और लास्ट में 50% तक, 50% तक हम घटाएंगे, तो एक आम आदमी को सीधे सीधे राहत मिलती। तो ये न्याय संगत नहीं लगा, उसको हमने घटा के मात्र जो है 1,000 रुपये किया। 1,000 रुपये का स्टाम्प लीजिए, 100 रुपये आप शुल्क लगाइए, 1,100 रुपये में आप रजिस्टर्ड स्वामित्व दे। सर, आपका बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड रहा है सबके लिए, ऐसे कई विभाग भी होंगे, मैं दोनों बातें दोनों पक्ष रखूंगा, हाँ। ऐसे प्रोडक्ट होंगे चाहे वो सैनिटरी का हो, चाहे स्टील का हो, चाहे बिल्डिंग का हो, चाहे खेती किसानी किसी का हो, जिसमें कहीं ना कहीं घपले घोटाले या जिसमें कोई गुंजाइश रहती है, उसको आप किस तरह से कर रहे हैं जिससे कि आपके रेवेन्यू लॉस ना हो गवर्नमेंट का। देखिए, मैंने तो आपके सामने नहीं, कई बार कैमरे पर कहा, लोगों ने कहा कि साहब जब आप ये घटा रहे हो तो फिर आप कैसे रेवेन्यू पूरा करोगे। मेरा ये मानना है कि हम जनता को राहत भी देंगे, और जहाँ जहाँ हमें समझ में आता है कि लीकेज यहाँ पर है, उस लीकेज को ठीक करने का काम भी हम करेंगे। और ये लीकेज था, आज भी कहीं कहीं लीकेज है, लेकिन बहुत कुछ ठीक हो गया, जो रह गया है हमारी कोशिश रहेगी कि हम उसको भी ठीक करेंगे। लेकिन क्या आप ये मानते हैं कि जो अपने विभाग के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं वो कभी कोई गलत काम नहीं करते होंगे, गलत नहीं करते होंगे, हरासमेंट नहीं होता होगा, या अनदेखी कर लेते होंगे, उन पे पेनलाइज करने का, उन पे पेनल्टी ठोकने का या उन्हें पनिश करने का भी कुछ ना कुछ होना चाहिए, जिससे कम से कम किसी को तो ऐसा लगे कि हाँ मेरे साथ गलत हुआ था, आज उनके साथ उनको उसकी सज़ा मिली है, चाहे वो अधिकारी हों चाहे कर्मचारी हों। देखिए, मैं ये कहूँ कि कोई अधिकारी कर्मचारी कोई गलती करता ही नहीं होगा, मैं ऐसी बात नहीं कहूँगा,
मैंने पहले ही कहा कि स्वाभाविक है मानव स्वभाव में, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे नेता हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे किसी भी फील्ड से जुड़ा हुआ हो, ऐसा तो संभव ही नहीं है कि कभी ना कभी कोई गलती नहीं होती है। समझदार वो है कि गलती को एहसास करे और उसको सुधार ले, और उसको एहसास भी ना करे, सुधारे भी ना, तो फिर सरकार का काम है कि वो उसको सुधार दे। अगर वो प्लेटफॉर्म बताइए जिसपे कि कंप्लेंट की जा सकती है, व्यापारी कर सके। नहीं, वो प्लेटफॉर्म तो आप ऑनलाइन शिकायत कर दीजिए, आप हमको दे दीजिए, हमारे पीएस को दे दीजिए, हमारे कमिश्नर को दे दीजिए, कोई भी अधिकृत है आप कर सकते हो, और तुरंत उस पर हम एक्शन भी कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी वही समस्या, और वही समस्या आपके यहाँ की है कि अगर मुझे टैक्स देने में अगर देरी हो जाएगी तो आप मुझसे 18% आप चार्ज कर लेंगे, जब आपके रिफंड की बारी आती है तो वहीं के वहीं फिर किसी को कुछ कोई ब्याज पे पैसा नहीं मिल पाता, कुछ नहीं होता। अब यार देखो, सरकार से पैसा लेने में जरा पसीना तो आता है, ये तो सच है। लेकिन अब कोई भी व्यवस्था धीरे धीरे ठीक होती है। हमारे मुख्यमंत्री जी जो हैं उनकी मनसा बिल्कुल साफ है कि मध्य प्रदेश को चमकदार मध्य प्रदेश वो बनाना चाहते हैं, नया नया निवेश वो लाना चाहते हैं, और निवेश के लिए आप भी देख रहे हो कि एक वातावरण, एक माहौल सरकार ऐसा बना रही है कि पूरे देश से निवेशक उत्सुक हो रहे हैं, और कोई तामझाम के साथ नहीं। ये केवल 7-स्टार होटल में बैठ के ही होगा, 5-स्टार होटल में ही निवेश की बात होगी। इन सब बातों से हटके मुख्यमंत्री जी एक पॉजिटिव सोच के साथ उनसे संबंध बना रहे हैं, केवल इसलिए कि 70% नौजवानों को, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मध्य प्रदेश के उद्योगों में मिले, मध्य प्रदेश में एक नए तरीके की हम शुरुआत करें, एक अच्छा वातावरण पैदा करें और उनको आकर्षित करें। और यहीं हम लेते हैं आपसे इजाज़त, और उम्मीद करते हैं कि अगली बार हम फिर आपकी जो रिव्यू के पेड़ के नीचे बिल्कुल बैठेंगे। ठीक, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, अगली बार हम फिर हाजिर होंगे प्रदेश की नई शख्सियत के साथ, रूबरू होंगे हमारे कार्यक्रम दिल से में। मेरी और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।